बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नादरीन। आप देख रहे हैं क्रिकेट विद नदीम और मैं हूं नदीम। नादरीन वेलकम करता हूं आज के शो में। नादरीन लेके आया हूं आपके लिए KPL के हवाले से कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़, और फिर इसके अलावा बात करेंगे कि नेशनल जो T20 कप है हमारा डोमेस्टिक का, उसमें स्क्वाड का ऐलान हो गया है, और इसके अलावा जो है ना उसकी टाइमिंग क्या होगी मैचेस की, उस हवाले से इंशाल्लाह आपको न्यूज़ अपडेट देंगे। तो प्रोग्राम में आगे जाने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियो हो वह आप तक आसानी पहुँच सके। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो KPL सीज़न 2022 में है, सबसे ज़्यादा रन किससे अभी तक के मैचों में किए हैं। सबसे ज़्यादा जो टॉप में हैं वो हैं शर्जील खान हैं, जिन्होंने 273 रन बनाए हैं। फिर हसन नवाज हैं 241 रन बनाए हैं। फिर तीसरे नंबर पे असद शफीक हैं 221 रन बनाए हैं। फिर नंबर चार पे जो हैं शुएब मलिक हैं 182 रन, एहसन अली ने 168 रन, अहमद शहजाद ने 164 रन और अली इमरान ने 146 रन। हसीबुल्ला खान ने 145 रन बनाए हैं और खुर्रम मंजूर ने 130 और कमरान गुलाम ने 127 रन बनाए हैं। अगर बात की जाए मोस्ट विकेट की तो अर्शद इकबाल सबसे ज़्यादा विकेट 9 विकेट लिए हैं, उन्होंने टॉप पे हैं। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए सुहेल खान ने, जिन्होंने हैट्रिक भी किया, उन्होंने भी 9 विकेट हासिल की हैं। फिर रोमान रईस, फिर उन्होंने काफ़ी सारी 8 विकेट हासिल की हैं। इब्रार अहमद ने 7 विकेट हासिल की हैं, शदाब मजीद ने 7 विकेट और इरफान अल्लाह शाह ने 7 विकेट, अली माजिद ने 6, इमाद वसीम ने 6 विकेट हासिल की हैं, बासित अली ने 6 और आमिर जमाल ने 6 विकेट हासिल की हैं। तो फिर इसके अलावा बात की जाए अभी भी तकरीबन सिचुएशन कुछ ठीक नहीं है, और जो है ना कल KPL का फाइनल होना है, 26 डेट है, तो इंशाल्लाह देखते हैं कल वेदर कैसा रहेगा। लेकिन अभी यहाँ पे मैं बात करूँगा कि जिस तरह की इस साल में जो है ना, जिस तरह की नालेकी की वजह से जो है ना, जिस तरह से पॉइंट दिए गए हैं बैड मैनेजमेंट की वजह से KPL, तो KPL का जितना भी मज़ा था वो सारा कुरकुरा हो गया है। किसी को कुछ मज़ा नहीं आया, कोई इंटरेस्टिंग नहीं आया। मैचेस काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग थे, जिस तरह से आप देखते हैं शर्जील खान की परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिली है, इसी तरह से और काफ़ी लड़कों की तरफ से परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिली है। लेकिन बैड मैनेजमेंट की वजह से जो है सही तरह से जो है ना नहीं कर पाए, ये दुखी रहता है। चाहे PSL हो या फिर जो और क्रिकेट हो, जहाँ पे जो है ना बेतुके से फैसले करते हैं तो वहाँ पे फिर क्रिकेट का मज़ा नहीं रहता। तो इन चीज़ों पर थोड़ी सी गौर करने की ज़रूरत है और जो है तवज्जो देने की ज़रूरत है, PCB को भी चाहिए। अच्छा, फिर बात कर लेते हैं नेशनल T20 के जो स्क्वाड हैं उसके हवाले से बता देते हैं आपको। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी यासिर शाह की टीम जो है, यासिर शाह कैप्टन होंगे, शान मसूद वाइस कैप्टन होंगे, अब्दुल वाहिद बंगलजी होंगे, आगफ जावेद, अली वकास, इमाद भट्ट, असद शफीक और फिर इसके अलावा हारिस सुवेर, हसीबुल्ला खान विकेट कीपर, हुसैन तलत, जुनेद खान, काशिफ भट्टी, खुर्रम शहजाद और मोहम्मद जुनेद एंड साजिद अली। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए फहीम अशरफ की टीम की, वो अपनी टीम की कैप्टनसी करेंगे, आई थिंक ये सेंट्रल पंजाब है। फहीम अशरफ कैप्टन होंगे, अब्दुल्ला शफीक वाइस कैप्टन, अहमद शहजाद, अहमद दनियाल होंगे, अली असमद होंगे, हुनैन शाह होंगे, इरफान खान नियाजी होंगे और जुनेद अली होंगे विकेट कीपर, मोहम्मद अली होंगे, मोहम्मद फैजान होंगे, कासिम अकरम होंगे, शुएब मलिक होंगे, तैयब ताहिर होंगे, उसामा मीर होंगे और वहाब रियाज होंगे, ठीक है इस टीम में। फिर जी दूसरी टीम जो है खालिद उस्मान है KP की टीम, आई थिंक KP की जी, KP की टीम जो है इसमें खालिद उस्मान कैप्टन होंगे, कमरान गुलाम वाइस कैप्टन, आदिल अमीन, आमिर अजमत और अरशद इकबाल होंगे, आसिफ आफरीदी होंगे और एहसानुल्लाह होंगे, इमरान खान सीनियर होंगे और एहसानुल्लाह होंगे, माज खान होंगे, मोहम्मद अब्बास आफरीदी होंगे और फिर इसके अलावा जो होंगे मोहम्मद हारिस विकेट कीपर होंगे, मोहम्मद सरवर आफरीदी होंगे, मोहम्मद आमिर खान होंगे और साजिदा फरहान होंगे। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए नॉर्दर्न की, तो नॉर्दर्न की टीम की कैप्टन होंगे उमर अमीन होंगे, अली इमरान वाइस कैप्टन होंगे, आमिर जमाल होंगे, हसन नवाज होंगे, मोहसिन मुमताज़ होंगे, मुबशर खान होंगे, मोहम्मद अरेरा होंगे, नासिर नवाज होंगे, रॉयल नज़ीर विकेट कीपर होंगे, सलमान अरशाद होंगे और जो होंगे शुएब आमिर होंगे, सुहेल तनवीर होंगे, उमर खान होंगे, उस्मान खान शिनवारी एंड जमान खान होंगे, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर बात की जाए सिंध की, तो साउथ शकील कैप्टन होंगे, मीर हमजा वाइस कैप्टन होंगे, इब्रार अहमद होंगे, अनवर अली होंगे और आसिफ महमूद होंगे, दानिश अजीज होंगे, उमर बिन यूसुफ होंगे, रमान रईस होंगे, साद खान होंगे, साइम अयूब होंगे, सरफराज अहमद विकेट कीपर होंगे, शर्जील खान होंगे, सैयद फराद अली होंगे, जायद महमूद होंगे और ज़िशान ज़मीर होंगे। फिर इसके अलावा अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में हसन अली कैप्टन होंगे, सलमान अली आगा होंगे वाइस कैप्टन होंगे,
और जो होंगे जी अहमद बशीर होंगे, अली माजिद होंगे, आमिर यमीन होंगे, फैसल अकरम होंगे, हसन हान होंगे, इमरान रंधावा होंगे, मोहिद्दीन होंगे, मोहम्मद रियाज, समीन गुल, शरून सिराज होंगे, और इसके अलावा जो आएंगे शुहैब स्वैब मकसूर होंगे, जैन अब्बास होंगे और जीशान अशरफ होंगे विकेट कीपर, ये वाले इनको होंगे। तो अगर बात की जाए तो 30 अगस्त से आगाज़ होगा सिंध वर्सेस साउथर्न पंजाब, और सेकंड मैच जो होगा बलूचिस्तान वर्सेस सेंट्रल पंजाब, ठीक है। ये सारे तकरीबन पीडीए स्टेडियम में होंगे ये वाले मैच, और फिर उसके बाद जो है नॉर्दर्न वर्सेस सिंध होंगे, सेंट्रल पंजाब वर्सेस खैबर पख्तूनख्वा 31 अगस्त को। फिर फर्स्ट नंबर को जो होगा बलूचिस्तान वर्सेस साउथर्न पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा वर्सेस नॉर्दर्न। फिर 4 सितंबर को होंगे सेंट्रल पंजाब वर्सेस नॉर्दर्न, खैबर पख्तूनख्वा वर्सेस सिंध होंगे पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। 5 सितंबर को बात की जाए और 6 सितंबर की बात की जाए सेंट्रल पंजाब वर्सेस सिंध और नॉर्दर्न वर्सेस साउथर्न पंजाब होंगे। 7 सितंबर की बात की जाए बलूचिस्तान वर्सेस खैबर पख्तूनख्वा और सिंध वर्सेस साउथर्न पंजाब, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकेंड मैच में दोनों आपको साथ बता रहा हूँ। और फिर इसके अलावा 10 की अगर बात की जाए तो 10 सितंबर को होंगे नॉर्दर्न वर्सेस सिंध, बलूचिस्तान वर्सेस साउथर्न पंजाब होंगे, और जो होंगे ये मुल्तान स्टेडियम में होगा, आप मुल्तान स्टेडियम के मैचेस होंगे, ठीक है। और 12 सितंबर की बात की जाए खैबर पख्तूनख्वा वर्सेस नॉर्दर्न, बलूचिस्तान वर्सेस सिंध होंगे सेकंड मैच, ठीक है। और 15 सितंबर की बात की जाए बलूचिस्तान वर्सेज नॉर्दर्न एंड सेंट्रल पंजाब वर्सेज सिंध होंगे मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में। 16 सितंबर की बात की जाए सेंट्रल पंजाब वर्सेज नॉर्दर्न, खैबर पख्तूनख्वा वर्सेज साउथर्न पंजाब। 17 सितंबर की बात की जाए तो बलूचिस्तान वर्सेज खैबर पख्तूनख्वा एंड नॉर्दर्न वर्सेज साउथर्न पंजाब मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में। फिर सेमीफाइनल 18 सितंबर को होगा नंबर 1 टीम एंड दी नंबर 4 टीम, ठीक है। फिर इसके अलावा जो दो होंगे नंबर 2 टीम्स और नंबर 3 टीम के द्वारा मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में। फिर फाइनल जो होगा वो 19 सितंबर को होगा ऑफ द फर्स्ट नंबर वर्सेस जो है विनर मुल्तान के क्रिकेट स्टेडियम में। तो काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग क्रिकेट आ रही है पाकिस्तान में, तो देखते हैं कि ये बेसिकली जो काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे जो हमारे डोमेस्टिक में क्रिकेट के जितने भी बड़े प्लेयर हो गए, हसन अली हो गए, फहीम अशरफ हो गए, फिर इसके अलावा सरफराज अहमद हो गए, फिर इसके अलावा अगर बात की जाए शजीर खान, ठीक है, ये शजीर खान ने अभी भी परफॉर्मेंस दी है KPL के अंदर, अभी उनके बाद फिर मौका आ रहा है। वहाब रियाज भी हैं और मीर हमजा भी हैं जिनकी हम टीमों में शामिल करने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आके परफॉर्मेंस दें। अगर यहाँ पे परफॉर्मेंस की बेस पे अगर ये टीम सेलेक्ट नहीं करते हमारे चीफ सेलेक्टर या हमारे जो है रमीज राजा साहब अच्छी तरह से गाइड नहीं करते, तो फिर फ़ायदा कोई भी नहीं ऐसे टूर्नामेंट करवाने का, क्योंकि प्लेयर यहाँ से भी पिक करने पड़ते हैं। शजीर खान की काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है तो उसको अभी तक पिक नहीं किया किसी ने भी, जब से उसको टीम में से ड्रॉप किया तो उसकी मुसलसल परफॉर्मेंस आ रही है। देखते हैं बेस्ट विशेज हमारे शजीर खान के लिए भी हैं, सारे प्लेयर्स के लिए भी हैं, कैसा परफॉर्म करते हैं। तो ये था जी आज का कोई थोड़ा सा न्यूज़ अपडेट। तो इसके अलावा अगर बात की जाए सुप्लैन मुश्ताक ने बाबर आजम और जो विराट कोहली की जो मुलाकात हुई है उस हवाले से उन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा है कि ये चीज़ होती है कि ये पीस मैसेज होता है और जो है ना ग्राउंड के अंदर और चीज़ होती है, ग्राउंड के बाहर ऑफ द फील्ड जो चीज़ें होती हैं ये काफ़ी अट्रैक्टिव होती हैं, और ये इससे एक अच्छा मैसेज जाता है पब्लिक में भी और पूरी कंट्रीज़ को भी। और उन्होंने अपना भी हवाला दिया कि जब मैं एक लीग मैच में था तो वहाँ पे जो मैच हो रहा था जिसमें शोएब अख्तर ने भी बॉलिंग की थी और आई थिंक ये लंदन में हो रहे थे, तो वहाँ पे देख रहे थे कि पाकिस्तानी और इंडियन फैन जो है ना दोनों एक दूसरे के परचम के साथ जो है ना लगा के जो है ना अच्छा मैसेज दे रहे थे। फिर वो देखते 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 हाइप ज़्यादा बन गई, फिर दूसरी कंट्रियों वाले भी जो है ना इस तरह से परचम को एक साथ लगा के तो एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे। तो ये जो मुलाकात उनकी हुई है काफ़ी अच्छी हुई है, उनके आपस में दिलचस्पी ज़ाहिर हुई है, एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से बात किए, टुगेदर हुए हैं, तो ये अच्छा है। ऑफ द फील्ड भी जो है ना उनकी अच्छा मैसेज जाने की कोशिश की, और इससे जो है ना कंट्री में भी ऐसा मैसेज जाता है। बाकी अगर कोई उसका फतूर बनाता है तो उसके कुछ भी नहीं कह सकते बाकी जो गंदे माइंड के जो लोग होते हैं। तो ये थी अब तक की टॉप क्रिकेट न्यूज़। तो नाज़रीन अगर आज का सेगमेंट अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियो हो वो आप तक आसानी पहुँच सके। डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर मेरा फेसबुक का पेज है, उसे लाइक कर दीजिए। क्रिकेट के हवाले से कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं।